पैसे लगाकर मौत को मासी कहना अच्छी बात नहीं। मैं हूँ, ये हमारी टीम है और ये हम वोटिंग करने वाले हैं। आम जो बाजार है उसकी जो रेट होते से 3 गुना महंगा हमें नारायण का ये बाजार मिलता है। ये पानी इतना ठंडा है कि यहाँ पे हम लोग 8 से 10 सेकंड भी इस पानी में स्टे नहीं कर सकते। इन मौसमों में भीगते रहना अच्छा लगता है। यहाँ पर बैठ के लोग नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर इवन प्लान करते हैं अपने। मैं हूँ डॉन टन 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 टन। स्वागत तो करो हमारा। आप लोग देख रहे हैं इन सब ने अपने अपने पंजे अंदर कर लिए। सर्दी आने रही, सर्दी आ गई है। बारिश आता है तो पानी आता है और साथ में ठंड लाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? ये गिटार बजा के फ्री चने खाने के मूड में था। हम सर मनो सारी पानी जब उछलता है ना और बोट उछलती है वो एक बार खौफ आता है। हम स्वीडन चले जाएं, यूके चले जाएं, लेकिन खाना जब तक पंजाबी ना हो हमारे मैदे को सुकून नहीं आएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं नारायण। पाकिस्तान का कोना कोना खूबसूरती से भरा हुआ है। हेलो व्यूअर्स, दिस इज मी अख्तर वजीर और आज हम एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा दोस्तों का टूर, ये स्पेशल टूर है जी, मेरा अपना खारियां ग्रुप है और ये सारे वेलफेयर ट्रस्ट के लोग हैं और आज अपने लिए कुछ वक्त निकाला इन्होंने। लोगों की तो बड़ी खिदमत की, लोगों के लिए बड़ा टाइम निकाला, आज अपने लिए वक्त निकाला और ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके नारायण और कागान की जानिब। बहुत जबरदस्त है और इस टूर के अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन सी जगह घूमने फिरने वाली है और उसकी कॉस्ट क्या है, कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है। सो सबसे पहले तारुफ लेते हैं हमारे साथ दोस्त कौन कौन इस टूर में शामिल है। मेरा नाम रसल सैन है, नंबर नंबर सेकंड इंफॉर्मेशन मेरा पटना जिला। मेरा नाम अमानत अली, मेडिकल के सूबे से ताल्लुक है। मैं जुबैर रजा सदर, मेरा अपना खारी है। मैं आसिम रशीद चेयरमैन, मेरा अपना खारी है। साकिब भगवान, मेरा अपना खारी है। मैं हूं फैज मीरा, मैं मेरा अपना वेलफेयर ट्रस्ट का मेंबर हूँ। आपने दोस्तों का तारुफ सुना, आपने देख लिया बिजनेस के शोबे से वाबस्ते सारे और अपने लिए वक्त निकालना इस दौर में सबसे मुश्किल काम है। सो लेट्स सी कि हम लोग क्या मौज मस्ती करने वाले हैं। मैं और हमारे सारे दोस्त हम लोग मौजूद हैं किवाई के एक मुकाम पे जिसको कहते हैं आबशार पॉइंट और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे आपको आबशार के 2-3 पॉइंट नजर आ रहे हैं। ये पानी इतना ठंडा है कि यहाँ पे हम लोग 8 से 10 सेकंड भी इस पानी में स्टे नहीं कर सकते। आप लोग अगर इस पॉइंट पे आते हैं नारायण कागान तो ये सुग्राम से थोड़ा सा पीछे किवाई का एक मुकाम है तो वहाँ पर आपने आके इस पॉइंट को जरूर विजिट करना है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो यहाँ पर आपको झूले भी नजर आएंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये बच्चों के लिए हैं और अगर बड़े मर्द और खवातीन बैठना चाहें तो फीकस यहाँ पे 200 रुपए कास्ट किया जाता है इस झूले का। इन मौसमों में भीगते रहना अच्छा लगता है और मैं कहता हूँ कि लुत्फ आ गया आज। हद
पे निगाह आपको सिटिंग अरेंजमेंट नजर आएंगे। लोग यहाँ पे आके आबशार वाले इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। पानी बहुत ठंडा है और यहाँ पर बैठ के लोग नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर इवन प्लान करते हैं अपने। सो ये बहुत ही खूबसूरत मुकाम है किवाई का। वैसे मेरा साहब शॉपिंग करते हुए इन्हें लग रहा है कि यहाँ पे जो ग्लासेस हैं वो सब सर सस्ते मिल रहे हैं महंगे मिल रहे हैं? सर अभी तो पूछेंगे ये क्या कहते हैं। सर कितने का ग्लास, क्या रेट है? 350 रुपए का। और ये जो कैप पहनी है मलिक साहब ने, ये कितने वाली है? 500 की। ये लेडीज है जेंट्स है? लेडीज है। मलिक साहब थोड़े वास्ते ही मैं हूँ डॉन टन 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 टन। किवाई का खूबसूरत मुकाम, नाश्ता करने के बाद हम लोग अब नारान की तरफ जो है ना रास्ते सफर बांधने लगे। ले जी ये ग्लेशियर आपको नजर आ रहे हैं, ये नारान ग्लेशियर है और ये हम लोग एक खूबसूरत मुकाम पे खड़े हैं इस वक्त। अभी सफर खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अभी हमने मजीद आगे जाना है, लेकिन ये खूबसूरत मंजर हम मिस नहीं करना चाहते थे, अपने तमाम देखने वालों को दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हवा के अंदर खून की बढ़ना शुरू हो गई है, ठंड जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता हमें फील होना शुरू हो गया है। काफी अच्छा ये मौसम है और दरिया के किनारे पे है और काफी ठंड है इधर और एंजॉय कर रहे हैं जबरदस्त। बहुत खूबसूरत मंजर है और हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया, ये इतना प्यारा सीन था कि हमने कहा इसको मिस नहीं करते। अभी मलिक साहब बताएंगे कैसी फीलिंग है, ठंडक कैसी लग रही है आपको? ये ठंडक यहाँ पर आकर तो ऐसे पता चल रहा है जैसे हम जो है ना वो विंटर सीजन जो अपने पंजाब में हम गुजारते हैं ना, उस तरह का एटमोसफेयर यहाँ पर फील हो रहा है। कुदरती मनाजर है देखिए जी, और आप वो मेरे पीछे देख रहे हैं ग्लेशियर, बहुत बड़ा पहाड़, ये नारान का मुकाम है। वहाँ पर जाकर आपसे मुलाकात होगी और आपको मजीद अपडेट देंगे। आप लोग देख रहे हैं इन सब ने अपने अपने पंजे अंदर कर लिए। सर्दी आपको फील हो रही होगी कि यहाँ पे हम लोग जो ड्रेसिंग हमारी देखे जरा, हम लोग पंजाब से सर्दी आने रही, सर्दी आ गई है, हम पे टांग रही है। जी बारिश आता है तो पानी आता है और साथ में ठंड लाता है। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। नहीं जी हम लोग कागान वैली के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और गाड़ी बस यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लेगी। हम इस इलाके को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे यहाँ पे होटल्स कैसे हैं, यहाँ पे खाना कैसा है और यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ के मनाजिर कैसे हैं। ये है जी नारान वैली। वाओ नारान का खूबसूरत मंजर और ईद का रश है बहुत ज्यादा और इस रश के अंदर अभी लोग सोए हुए, इस रश में होटल मिलना बड़ा मुश्किल काम है। यस फाइनली वी हैव रीच्ड और हम इस वक्त मौजूद हैं नारान। नारान वैली बहुत ही खूबसूरत नजारा जी, हम सब पहुंच आए हैं दोस्त यहाँ पे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सफर का। खास तौर पे जब इस तरह के खुश गपियां लगाने वाले दोस्त मौजूद हो तो सफर गुजरने का पता ही नहीं चलता। खारियां से स्टार्ट होने वाला ये सफर रात 10 बजे ये खत्म हुआ सुबह 9 बजे आके नारान में, और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हमने नारान की खूबसूरत वादियों को विजिट करना स्टार्ट किया। आपको इसके बारे में अपडेट भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे अपने दोस्तों के ख्यालात कि इनको कैसा फील हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है, वेरी नाइस, ठंडा माहौल जनाब, बेहतरीन ये माशाल्लाह जी, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों के साथ, ये हम एंजॉय कर रहे हैं सारे माहौल को, तो इंशाल्लाह ताला जो आज के बाद के दो दिन है वो भी इंशाल्लाह एंजॉय करें। ये खूबसूरत पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मलिक साहब आज के फोटोग्राफर बने हुए हैं। हम सर मनो सॉरी पता नहीं ये गिटार बजा के फ्री चने खाने के मूड में था। ये उमर भाई है, ये तनख्वाह लोगों को सर्विस दे रहे हैं, इनको खुश कर रहे हैं।
नाश्ते का टाइम है जी, वक्त हुआ चाहता है 4:15 और 4:15 बजे हम लोग अब करेंगे नाश्ता ब्रेकफास्ट। अगर मैं बात करूं दर्जा हरारत की तो इस वक्त तकरीबन 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ का दर्जा हरारत है, काफ़ी ठंड है। और नारान के अंदर मुझे जो खूबसूरत चीज़ नज़र आई वो ये थी कि यहाँ के लोग जो है वो बड़े मिलनसार हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। अगर आप लाहौर वाली साइड से आते हो तो तकरीबन ये लगभग 14 घंटे का सफ़र है, और मोटरवे वाली साइड से आते हो तो और ये सफ़र कम हो जाता है। जीटी रोड वाली साइड से तकरीबन 13-14 घंटे का सफ़र है जो आपने रस्ते में स्टे करते हुए यहाँ पे पहुँचना है। सो खाने बहुत अच्छे हैं, एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है, और लोगों के बिहेवियर बहुत ज़बरदस्त हैं। जी जनाब, इस वक्त हम लोग पहुंच आए नारान के एडवेंचर क्लब में, और एडवेंचर क्लब में आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द अतराफ में आपको कश्तियां नजर आएंगी, लोग जो हैं वो पानी को बड़ा ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सो देखते हैं कि ये एडवेंचर कैसा है और इसके बारे में भी आपको बताते हैं। इसके बारे में जो रेट पता चला वो ये है कि पर हेड यहाँ पे 750 है, 750 रुपये एक आदमी के। यहाँ पे 1.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, पानी वाला ट्रैक। ये बोटिंग हो रही है, अब हम लोग सारे इस खूबसूरत राइड को भी एंजॉय करने वाले हैं। जी जनाब, सारे राइडर्स आ चुके हैं। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है कश्ती का? जी मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। सॉरी, क्या रीजन है? क्योंकि भाई मेरा दिल नहीं मान रहा। क्या मतलब, आपको डर लगता है? जी बहुत ज्यादा डर लगता। क्या वाटर फोबिया है? क्या समझ नहीं आई? नहीं, मेरे ख्याल में इन्हें वाटर फोबिया नहीं है, ये असल में इन्होंने देखा ना वो टाइटैनिक का जहाज, देखने अच्छा। के लिए गए थे, शायद उसका ना इनको ख्याल आ गया, गोई गोई गोई। पैसे लगा कर मौत को मासी के अच्छी बात नहीं। कश्ती के गिर्द आपको रोप नजर आ रही है, रस्सी ब्लैक कलर की, ठीक है। खुदा ना खास्ता किसी भी हादसे की सूरत में ये रोप हम एक दूसरे को थामने के लिए होती है। दूसरे नंबर पे एक और 30 मीटर की रोप होती है जो कि कैप्टन के पास होती है, एक कैप्टन हमें मिलता है साथ हमारे राइड के, तो वो रोप लेके चलता है। खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये रिस्क मैनेजमेंट है। ओके जी, सो आप लोग एहतियात से सफर कीजिएगा, उछल कूद और इन चीजों से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। जनाब तैयारी शुरू हो गई है, हमारे राइडर्स जो है वो सिक्योरिटी, हाँ जी, जैकेट्स और हेलमेट पहनना शुरू हो गए हैं, और ये हमारी बोर्ड भी आ गई है। सो ये मैं हूँ, ये हमारी टीम है, और ये हम बोटिंग करने वाले हैं। बड़े बुरे तरीके से पैक हो गए। ये हालात चेक करें जी, आवाजें आ रही है, वड्डी जैकेट दो पाजी, वड्डी जैकेट, और ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है जी, बड़ा मजा आ रहा है राइड का। ओए, ओए, ओए। पानी जब उछलता है ना और बोट उछलती है, वो एक बार खौफ आता है ना, हल्का तो खौफ आता है। नारान का बाजार भी बहुत फेमस है, और यहाँ पर रेस्टोरेंट के साथ साथ और बहुत सारी जरूरती अशिया मौजूद है। सो हम लोग इसको भी विजिट करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस किस्म की चीजें मौजूद हैं और क्या उनका पैकेज है, कितनी सस्ती है, कितनी महंगी है। बाजार
परिवार को तसल्ली से विजिट की है। जो चीजें हमने एनालाइज की हैं कि आम जो बाजार है उसकी जो रेट्स होते हैं उससे तीन गुना महंगा हमें नारान का ये बाजार मिलता है। ले जी, बोटिंग के मजे लेने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं अपनी रिहाइश पे और यहाँ पर है बारिश के खूबसूरत मनाजिर। तमाम दोस्त बालकनी में बैठे हुए बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, थकावट के आसार नुमायन के जोरों से। देखिए, बाहर से घूम घुमैया करके हम लोग बिलाखिर आ गए हैं अपनी रेजिडेंस पे और बहुत अच्छा रूम मिला है। अभी सारे दोस्त यहाँ पर रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो कल हम लोग कहाँ सफर करेंगे ये सारी रुदात बताएंगे आपको सुबह। झील सैफुल मुलुक के बारे में कुछ चीजें भी दिखाएंगे और आपको खूबसूरत मनाजिर भी दिखाएंगे। हाँ जी, रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं और हम एक बार फिर उन सड़कों पे निकले हैं और देखेंगे कि कौन सा बेहतरीन पॉइंट है, वहां पे जाके हम डिनर को प्लान करेंगे। दोस्तों, हम दुनिया के जिस भी कोने में चले जाएं, हम स्वीडन चले जाएं, यूके चले जाएं, लेकिन खाना जब तक पंजाबी ना हो हमारे मैदे को सुकून नहीं आएगा। लिहाजा पंजाब टिक्का रेस्टोरेंट पर डिनर प्लान किया और खूबसूरत चिकन, बारबेक्यू, सब्जी, दाल, फिश, सारी चीजें, बिरयानी, हमने फुल पैकेज जो है वो खाने में प्लान किया। पंजाब टिक्का मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंजर है इसका, ताकि आप लोग जब यहाँ पे नारान में आओ तो इस एरिया में आके खाने को एंजॉय करो। ये खाना चट हो गया, खाना बड़ा टेस्टी था और बिल हम लोग 9 बंदे थे और हमें बिल पड़ा तकरीबन 12,000-12,500 रुपया पर हेड। अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 1200-1300 रुपये पर हेड बिल बना, जिसमें हमने सारी चीज़ों को एंजॉय किया। पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल, पाकिस्तान इज़ अमेजिंग, पाकिस्तान का कोना कोना खूबसूरती से भरा हुआ है। बस हम इस खूबसूरती की हिफाजत करें और इसको बेहतर तरीके से मैनेज करें, गंदगी, पोल्यूशन, इन चीज़ों से अपने इन्वायरमेंट को आलूदा होने से बचाएं। ये आज के इस व्लॉग का स्ट्रॉन्ग मैसेज है।